और गया के इमामगंज थाना के अंतर्गत रानीगंज बाजार के दो फर्जी नर्सिंग होम को प्रशासन ने सील कर दिया है। एसडीपीओ मनोज राम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यशोदा नर्सिंग होम और केयर नर्सिंग होम को सील किया है। इस संबंध में पीएचसी प्रभारी सैयद अली अनवर ने बताया है कि दो नर्सिंग होम अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। वहीं एसडीपीओ मनोज राम ने कहा है कि कुछ दिन पहले नर्सिंग होम में एक प्रसूता की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर एसडीपीओ ने नर्सिंग होम को सील करने के आदेश दिए। आए थे, हॉस्पिटल आए थे, फिर कुछ लेटर उटर भी डिस्ट्रिक्ट से उनके पास आया था, तो उनके नेतृत्व में यहाँ हम लोग आए रानीगंज में। बहुत नर्सिंग होम का नाम था, उन्होंने बताया था, तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए। तो यहाँ यशोदा नर्सिंग होम में एस डी ओ साहब के साथ में किया गया, फिर आगे गए वहाँ तो केयर नर्सिंग होम था वहाँ रानीगंज में। अगर इसमें तो अगर और सब ये है अगर बंद हो सकता है, क्यों नहीं बंद हो सकता, बिल्कुल बंद हो सकता है, इसलिए कि यहाँ तो रजिस्ट्रेशन वाले कुछ लोग हैं, बाकी जो लोग नहीं हैं वो अपना अगर नर्सिंग होम चलाना चाहते हैं तो अपना पहले रजिस्टर्ड करवाएं, उसके बाद नर्सिंग होम चलाएं। एक अवैध क्लिनिक में एक मरीज के मरने से इलाज करने में मृत्यु हो गई थी, उस क्रम में इसी वजह से जो है कई लोगों ने जो कंप्लेन किया था, उसी के आलोक में जो है एस डी ओ साहब और यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं संयुक्त जो है जाँच करने का आदेश हुआ था। इसी क्रम में आज एस डी ओ साहब आए थे और हम लोग उनके साथ आए थे, और इसी क्रम में दो एक केयर हॉस्पिटल और एक यशोदा नर्सिंग होम को खुला हुआ संचालित स्थान पाया गया।